हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यह हमारा काउंटर वॉल्यूशन है। इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करी जाए, जैसे इसकी लंबाई है 33 इंच और इसकी चौड़ाई हमारी 20 इंच है। ये नीचे से ओपन है बिल्कुल। और इसकी हाइट की बात करी जाए तो फिर इसकी हाइट है 28 इंच। इसमें नीचे पूरा स्पेस मिलेगा आपको, पूरा फुल जगह मिलेगी आपको यूज़ करने के लिए। काउंटर में होल है जो वेस्ट वाटर पाइप के लिए है। इसको किस तरीके से बनाया गया है, बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैंने ये वीडियो बनाई है। स्किप किए बिना पूरी वीडियो देखना। पहले हम इसके मार्बल की कटिंग करेंगे, जो हमारे साइड के पीस है उनकी कटिंग करेंगे। कटिंग के हिसाब से आपको साइज बाय साइज निकालना है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसका साइज 27 इंच इसकी लंबाई है और जो इसकी पीस की चौड़ाई रहेगी वो हमारी 20.5 इंच रहेगी। 20.5 इंच में से हमारे 2 पीस निकलेंगे और फिर 20.5 इंच में से हमारे 2 पीस निकलेंगे। इसका फर्मा किस तरीके से बनाते हैं, जैसे हमारी 27 इंच लंबाई थी तो फिर हम उसके आधे पे निशान लगाएंगे 13.5 पे, और 13.5 से हम ये लाइन क्रॉस में कर देंगे। जैसे सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हाथ से निशान खींचना है, इसकी मार्किंग करना है। यह हमारा जो पहला पीस है वो 20.5 इंच का है। इसकी जो चौड़ाई है, ऊपर से आपको पहले फरमे से एक ही फरमे से दोनों साइड से निशान लगाना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। आपको 2 इंच छोड़कर लगाना है निशान। जैसे मेरा ये 20.5 का है तो फिर मैंने 18.5 पर मार्किंग करी है इसकी जो फरमे की है। ऊपर साइड पे भी हमारा 2 इंच छूटा है और नीचे साइड भी हमारा 2 इंच छूटा है। ये हमारा पीस कट चुका है। अब हम इसी को रख कर मार्किंग करेंगे दूसरे पीस की। इस तरीके से मार्किंग करेंगे, हमें 2 इंच छोड़ना है। जो नोक रहेगी हमारी वो 2 इंच छोटी रहेगी, एक बात का ध्यान रखें आप, क्योंकि जो हमारा साइड दीवार में फंसने वाला जो हिस्सा होता है वो यही होता है। जो हमारा काउंटर के नीचे मार्बल लगेगा वो हमारा डबल पीस में रहेगा। इस तरीके से जैसे पहले मैंने एक साइड में दोनों काट दिए, अब हम इसी पर रख कर मार्किंग कर फिर हम दोबारा इसको काट देंगे। ये हमारा डबल हो जाएगा और ऊपर हमारी जो काउंटर होगा उसमें सिर्फ हम पट्टी चिपकाएंगे, हम उसको डबल नहीं करेंगे, वो हमारा सिंगल पीस रहेगा। लगाने से पहले हम इसकी मोल्डिंग कर लेंगे, धार पॉलिश कर लेंगे। जैसे मैंने इसकी 2 सूत पेल मारी है, टेपर कर रहा है इसको मैंने। ये हमारा काउंटर है, काउंटर को भी मैंने पेल किया है, इसकी 2 सूत पेल मारी है। और जो हमारा वॉश बेसन का जो बेस्ट वाटर पाइप है उसके लिए भी हम मोल्ड कर लेंगे पहले ही। हम इसे सीमेंट ही सीमेंट से लगाएंगे, इसमें बारू नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। सीमेंट ही सीमेंट से इससे पहले हम जो हमारे साइड के पीस होंगे हम उन्हें खड़ा करेंगे, उसके बाद हम ऊपर का टॉप लगाएंगे। हम इस पर ट्यूब लगाएंगे जो जॉइंट हमारा चिपक जाए हमारा टॉप इससे। टॉप लगाने के बाद हम इसके नीचे सपोर्टें लगा देंगे कि हमारा ये बाहर नहीं आए, क्योंकि हमारा ये ताज़ा रहेगा तो हट जाएगा। आपको इस तरीके से सपोर्टें खड़ी कर देना है बोरी वोरी लगाकर, और जो भी हमारी जगह बाकी की है उसमें पेस्टिंग करना होगी सीमेंट की इस तरीके से। ये हमारा फाइनल हो चुका है, अभी इसमें प्लम्बर का काम बाकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलें।